पढ़ाई चल रही है, उनकी जिम्मेदारी है रोज बच्चों का देखना, उनके यूनिफॉर्म्स प्रॉपर होना चाहिए। स्कूल आते वक्त हम उनको यूनिफॉर्म देंगे, यूनिफॉर्म बैग एंड जूते। तो उसमें क्या करना है, उसे बुक्स भी देंगे, तो वो सब चेक करना है कि बराबर से बच्चे लेकर जा रहे हैं। उनके साथ एक और इम्पोर्टेंट कंपास चाहिए और एक रुमाल बच्चों के नाक वगैरह पोंछने के लिए, क्योंकि हमारे पास दो केयर टेकर रहेंगे और दो टीचर रहेंगे जो उनकी देखभाल करेंगे, बाकी हम लोग रहेंगे। और किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो सावंत हो गए यहाँ पे, जो हमारे पीआरओ हैं उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ या कोई भी प्रॉब्लम आई तो कैसे। प्लस हमारा एक मेडिकल डॉक्टर भी आएगा हफ्ते में, तो भी बच्चों को बीमारी हो गया है, कोई तकलीफ है क्या, बुखार है क्या, उनसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से पहले तो आप सब लोग का शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। हमने पिछले साल भी मतलब एक दो साल पहले भी यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट की थी, आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया था, लेकिन आपको भी पता है कि उसमें उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आए और हमारे बारहवीं वापस बंद हो गई। लेकिन हमने वापस ये कदम उठाया है कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे कुछ पढ़े और स्कूल के बारे में उनका इंटरेस्ट आ जाए, पढ़ने के लिए उनका दिल में कुछ दिलचस्प आ जाए, ताकि उन्हें ऐसे लगे कि पढ़ने के लिए आगे कुछ होना चाहिए। पर ये हमारा पहला कदम है, ऐसा नहीं कि हम लोग इससे आगे कुछ करेंगे नहीं। बालवाड़ी के बाद स्कूल होगा, स्कूल के बाद महाविद्यालय होगा, ऐसे बहुत सारे प्लान हमारे हैं, लेकिन ये शुरुआत है। और इस शुरुआत में आपको अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे भेजना है और वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे तरक्की कर रहे हैं, ये सारे आपको उन पर ध्यान देना है। और जहाँ पे भी उनका ऐसे आपको लग रहा है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ पे आके हमारे सावन साहब है, त्यागी सर है, भीमराव जी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे मेंबर्स हैं, किसी भी कुछ प्रॉब्लम हो आप स्कूल के बारे में या किसी भी रिलेटेड आप यहाँ पे आके मिलके हमसे बात कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो हम उसको अच्छी तरह से सुलझाने की कोशिश करेंगे। बस मैं यही कहता हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग दें और अपने बच्चों को ये स्कूल में भेज के ये बालवाड़ी को और अपने बच्चों की प्रगति पे एक कदम और बढ़ाने के लिए साथ दें। बस धन्यवाद। यहाँ सिद्धार्थ रेवाजी संघ में प्राइमरी स्कूल या बालवाड़ी की कोई सुविधा नहीं थी, तो सिद्धार्थ रेवाजी संघ ने सोचा, कमेटी लोगों ने, कि यहाँ एक बालवाड़ी होनी चाहिए। तो हमारी ये सोच थी, जो फेम ऑफ लाइफ आके हमारे से पहले से काम कर रही है कनेक्टेड कर, उनका काम भी अच्छा लगा था, उनका पिछला में थोड़ा बैड पैच था तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। और फिर वो बोले कि हमको फिर स्कूल चालू करना है, तो मैं सिद्धार्थ रेवाजी संघ का एक नागरिक या फिर रहने वाला रेवाजी, तो उसके मैंने भी इनके हाथों हाँ मिलाया और ये स्कूल खड़ा होने के लिए हमने जो हो सकता है वो हमने सहयोग किया। आज ये इनकी जो पूरी मेहनत है, इनका जो एक कुछ विजन है कि हमारे जैसे जो अनडेवलपमेंट एरिया में जो बच्चे लोग हैं, इनके माँ बाप आज बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं सकते या कुछ उनको प्राइमरी स्कूल में डाल नहीं सकते, इसलिए बच्चे ऐसे ही पढ़े रहते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट में जाते हैं। नहीं तो हमारे पास ऑप्शन होता है बीएमसी, होता है ऐसा कि बीएमसी में जाने से हमारे बच्चे डेवलप नहीं होते, क्योंकि उनका पहला स्टार्ट ही फ्यूचर खराब है, तो आगे जाके फ्यूचर क्या बनेगा। तो फेम ऑफ लाइफ का मेरे को ये विजन अच्छा लगा कि कुछ अनडेवलप एरिया है जहाँ कुछ सरकार की सुविधा नहीं है, जहाँ हम लोग सरकार के विरोध में बात करके लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए सुविधा दो, हमारे बाथरूम है इसके प्रॉब्लम, एक्स वाई जेड जो एरिया के प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा कोई स्कूल नहीं रहता है। लेकिन आज हमारे पास फेम ऑफ लाइफ आई है और उनके सहयोग से आज जो स्कूल का यहाँ उद्घाटन हुआ है, इनके काम के लिए मैं एक सिद्धार्थ रेवाजी संघ का एक रेवाजी सोच के कि इनको मैं बहुत बड़ी बधाई देता हूँ। इनके जो काम के कदम के होता है, सिद्धि साहब है, भीमराव साहब है, मैनेजिंग ट्रस्टी प्रमोद त्यागी है, उसके बाद खास करके प्राची त्यागी है, इनको मेरे तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं है। ये ऐसे ही आगे आगे कदम बढ़ाए और एरिया में जो अनडेवलपमेंट बच्चे हैं उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स है या कोई और कोई उनको निजाजी प्रॉब्लम्स है उन पे हम सोचेंगे और ऐसा ही सहयोग करा के स्कूल की जो आज जो शुरुआत हुई है इनको हम लास्ट स्टेप तक, जैसा भी प्राइमरी है जिसमें फर्स्ट सीनियर के जी तक, हम उसके बाद भी फर्स्ट कम से कम फिफ्थ तक स्कूल करने का सोच रहे हैं। तो हम रहीवासियों को भी आह्वान कर दें कि अपने आजू बाजू में जो बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं इनको सब हमारा नाम रजिस्टर कराओ, क्योंकि यहाँ ये जो ट्रस्ट है
फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एजुकेशन का खर्चा उठा रही है, तो ये संधि का फायदा उठाओ, अपने बच्चों को आजू बाजू के जो ऐसे ही घूम रहे उनको जमा करो, यहाँ स्कूल को सहयोग करो, और हमारी जो भी ट्रस्टी यहाँ काम करी है, जो आपके भरोसे पे हम लोग यहाँ काम के लिए जुड़े हैं, तो हमको सहयोग करो, हम यही चाहते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है जैसा इन्होंने बोला, तो आप दबाओ मत अपने में, जो है मेरे से डायरेक्ट आके बात कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आती हूँ, क्योंकि हमारी ये सोच है कि यहाँ जो भी कदम उठाया जाएगा आपके भले के लिए उठाया जाएगा, इसलिए मेरे सब नहीं आती हूँ जहाँ उपस्थिति आज नहीं है उनको भी बताओ ये स्कूल चालू है जो भी फायदे के लिए हुआ है, तो सब सहयोग करें। और यही शुभकामनाएं मैं प्राचीता की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड स्टैंडिंग कमेटी को देता हूँ, विद्यार्थी परिषदों की शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि उनका आने वाला कल बहुत अच्छा हो, ये नाम स्कूल पर आके हमारा सपना है कि घर घर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से, आज किसी रहीवासी संघ की बात नहीं है, हमारा पूरे देश के लिए सपना है कि कोई भी बच्चा बिगर पढ़ा लिखा नहीं रहे। इसलिए फ्लेम ऑफ लाइफ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके कदम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी सोच बढ़ती जाएगी। आज हम छोटे स्कूल से चले हैं, कल विद्यालय से चलेंगे, डिग्री कॉलेज से चलेंगे, और बहुत से हॉस्पिटल से चलेंगे, और मोबाइल डिस्पेंसरी से चलेंगे। हमारी प्लानिंग बहुत है, लेकिन अभी जो है फ्लेम ऑफ लाइफ छोटा सा बच्चा है, और छोटा सा बच्चा जितना कदम रख सकता है वो उतना रख रहा है, और हमारी जो सोच है उसके हिसाब से आप लोगों का सहयोग रहा तो हम आने वाले एक साल के अंदर यहाँ पे ज्यादा भी नहीं तो पांचवी तक का सोच के रखे हुए हैं हम, लेकिन तीसरी तक का स्कूल यहाँ पे ओपन करेंगे। और महिलाओं के लिए भी हमारा यहाँ पे कुछ विचार है, जैसे कि जो महिला के लिए सिलाई बुनाई का केंद्र जो है वो करने का, जो पढ़ी लिखी है थोड़ी सी उसके लिए टाइप वगैरह का, यहीं पे हमने ऐसा कुछ सोचा हुआ है। और ये एक्टिविटी जो है हमारी इसी साल की है, ये हमें 2016 में ये एक्टिविटी 2016-2017 के अंदर करनी है। वुमेन राइट्स को हम जितना भी बढ़ावा हो सकता है उससे उतना देंगे, और हम उसके लिए 24 घंटे तत्पर हमारी तरफ से बच्चों को देखने के लिए हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर आएंगे, और टीचर हैं, केयर टेकर हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आपका सहयोग, हमारा सहयोग इन बच्चों का भविष्य बनाए। थैंक यू।